फिल्म शुरू होती है। अरे बाबा कितना प्यारा छुटकू है, अरे तो और छुटकू, लगता है कि ये मोटू वाला छुटकू भूखा है, इसीलिए ये इन दोनों का खाना लेने की कोशिश कर रहा है, पर बेचारा इसको तो कुछ भी नहीं मिलता। पर मोटू छुटकू भी हार नहीं मानता और आखिरकार मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ इस प्यारी बच्ची को दिखाया जाता है, जो इस छुटकू को अपने पास ले आती है और उसे खाना देती है, और इसका नाम पिल है और इसके दोस्तों का नाम स्क्रैचर और फ्लफी, और प्यारी पिल मोटू छुटकू का नाम गॉबली रखती है, और फिर वो गॉबली को अपना शहर दिखाती है और बताती है कि ये ट्रिस्टन है जिसे सरकारी सारे अधिकार मिले हैं, पर ये राजा नहीं है, हमारा होने वाला राजा तो वो नौजवान है जिसका नाम रोलेंट है। पर क्या तुम्हें पता है गॉबली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है, क्योंकि किसी को भी हमारी परवाह नहीं है, क्योंकि बेचारी पिल अनाथ है, इसका इन चुटकू दोस्तों के अलावा और कोई नहीं है। पर फिर भी पिल अपनी जिंदगी को जीना जानती है और ये अपनी पलटन के साथ मिलकर बेचारे सिपाही क्रोबर का खाना चुराती है, और बेचारे भोलू क्रोबर को लगता है कि उसका खाना चुराने वाली लड़की एक स्पिरिट है, और आज भी पिल अपने छुटकू साथियों के साथ मिलकर क्रोबर का उल्लू बनाकर उसका खाना चुरा ले जाती है। और तभी वहाँ ट्रिस्टन आ जाता है जिसके साथ उसका डॉग भी होता है, वो क्रोबर से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब बेचारा क्रोबर कहता है कि मैं उस खाना चोर स्पिरिट को पकड़ रहा हूँ, क्या पता मैं उसे पकड़ कर एक नाइट बन जाऊं। पर वो सब बेचारे क्रोबर का मजाक उड़ाने लगते हैं, और वहीं बेचारी पिल कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख लेती है और वो भी उन बच्चों के पास आ जाती है, पर तभी उन बच्चों के डैड उनसे कहते हैं कि वो एक स्पिरिट है, उसके पास मत जाओ। ये सब देखकर बेचारी पिल बहुत उदास हो जाती है, बेचारी प्यारी पिल उसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, वो और उसके छुटकू दोस्त बाहर ही रहते हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब प्रिंस रोलेंट राजा बनेगा, सारे गाँव वाले उसके लिए तोहफे लेकर आते हैं, जिनमें से एक पिल भी होती है, वो भेस बदल कर क्रोबर का उल्लू बनाकर महल के अंदर आ जाती है, जहाँ वो और उसके छुटकू दोस्त खाना चुराना शुरू कर देते हैं। पर तभी होने वाले राजा को खुश करने के लिए कुछ जोकरों की टीम वहाँ आती है, जिन्हें देखकर पिल को भी बहुत अच्छा लगता है। उन सब जोकरों में से एक छोटा जोकर बहुत ही भोला होता है, वो हर चीज उल्टी पुल्टी करता है, जिसे देखकर तो पिल और भी ज्यादा हंसने लगती है। और उस छोटू का नाम जिगलर है, जिसके साथ उसका पपिट भी हमेशा रहता है, जिगलर को अपने पपिट से बहुत प्यार है, वो उसे भी एक इंसान की तरह ही ट्रीट करता है, उसने तो उसका नाम भी रखा है द स्टारडो। पर बेचारे जिगलर का मालिक उस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है, पर तभी पिल जोर से हंसने लगती है, ये देखकर जिगलर उसके पास आ जाता है और कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम पहले इंसान हो जो मुझे देखकर हंसी हो। और तभी वहाँ ट्रिस्टन आता है जो प्रिंस रोलेंट को अपने साथ कहीं ले जाता है, और वहीं क्रोबर पिल के साथियों को खाना चुराते हुए देख लेता है, बेचारी पिल उन्हें बचाने के लिए उन्हें लेकर यहाँ वहाँ भागने लगती है, और वो उन्हें लेकर छुपती छुपाती हुई एक अजीब सी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर सब कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक होता है। पर तभी भुखर गोबली चीजों के साथ छेड़खानी कर देता है, और अब ट्रिस्टन भी प्रिंस को लेकर उसी जगह पहुँच जाता है, और यहाँ भी भुखर गोबली ट्रिस्टी के डॉगी का च्यू टॉय चुरा लेता है, जिस वजह से डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है। पर ये क्या, ट्रिस्टन प्रिंस को ये क्या पिला रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी तो जरूर है, और बेचारा प्रिंस भी उसे पी लेता है। उसके ड्रिंक पीते ही ट्रिस्टन उससे कहता है कि मैं तब एक बच्चा था जब मैंने चाहा कि मैं एक राजा बनूंगा, पर मेरा परिवार तो जादू करता था, इसलिए मुझे भी वही करना पड़ा, पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने राजा को मार डाला, पर ये सब मेरी ग्रैंड माँ ने देख लिया, इसलिए मैंने उन पर सारा इल्जाम डाल दिया और वो कर्स फॉरेस्ट में जाकर छिप गई, और आज मैंने तुम्हें भी जहर दे दिया है। पर ये सब कुछ पिल देख और सुन लेती है, पर तभी पिल को ट्रिस्टन देख लेता है और वो उस पर हमला शुरू कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, और वहीं बेचारा प्रिंस मरने की जगह आधे मुर्गी और आधे डॉगी में बदल जाता है, क्योंकि उस घोल के साथ गोबली ने छेड़छाड़ कर दी थी। और प्रिंस को ऐसा बनते हुए क्रोबर भी देख लेता है, और ट्रिस्टन प्रिंस की ऐसी हालत का इल्जाम पिल पर लगा देता है। क्रोबर पिल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, पर पिल और उसके साथी क्रोबर से छुप जाते हैं, उनके साथ प्रिंस भी होता है, जिससे पिल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर बदले में मुझे कुछ खजाना चाहिए। पर पहले तो प्रिंस इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं पहचानता तब वो पिल के साथ डील कर लेता है, जिसके बाद पिल कुछ अच्छे कपड़े पहन लेती है, जिसे उन खूबसूरत कपड़ों में क्रोबर भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि प्यारी पिल बहुत सुंदर लग रही होती है। क्रोबर पिल से कहता है कि क्या आपने किसी हाफ डॉग और हाफ चिकन को देखा है, क्योंकि वो प्रिंस है। पर तभी गलती से सिपाही प्रिंस को वहाँ से ले जाते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच ले आते हैं, जहाँ क्रोबर कहता है कि अब मैं प्रिंस को कहाँ ढूंढूं, तब पिल कहती है कि मैं उसे ढूंढूंगी क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। क्रोबर ये सुनकर चौंक जाता है, और फिर वो दोनों प्रिंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ बेचारा प्यारा जिगलर लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी पिल को प्रिंस दिख जाता है, वो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रिंस को ट्रिस्टन से बचा लेती है, और पिल जिगलर और क्रोबर महल से बाहर आ जाते हैं, पर उन सबकी बैंड बजाती है। उसके बाद पिल प्रिंस को लेकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए कर्स्ट फॉरेस्ट जाना पड़ेगा, वहाँ ट्रिस्टन की ग्रैंडमा तुम्हें ठीक कर देगी। पर तभी जिगलर कहता है कि प्लीज पिल मुझे भी अपने साथ आने दो, वैसे भी मैं किसी को नहीं हंसा पाता और मुझे कोई दूसरा काम चाहिए, जिस पर पिल उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। वो कहती है कि हमें कर्स्ट फॉरेस्ट जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर क्रोबर कहता है कि मुझे रास्ता पता है,
पर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तब बिल कहती है कि क्या तुम एक नाइट बनना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर अगर तुम हमें कस्ट फॉरेस्ट ले जाओगे तो। ये सुनकर ग्रोवर वहाँ जाने के लिए मान जाता है, जिससे बिल बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सब कस्ट फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। बेचारा ग्रोवर बहुत ही भोलू होता है, वो बिल को एक रियल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, जिस पर बिल कहती है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट आज तक कभी नहीं मिली। वो और उसके छुटकू दोस्त बहुत खुश होते हैं, वो सब रास्ते में खूब मस्ती करते हैं। रास्ते में ग्रोवर बिल को एक टॉय भी देता है और फिर आखिरकार वो कस्ट फॉरेस्ट पहुँच ही जाते हैं, जहाँ बिल क्रिस्टन की ग्रैंड माँ को ढूंढने के लिए सबको अलग अलग रास्ते पर भेज देती है। बेचारे जिगलर और ग्रोवर बहुत डरे हुए होते हैं और तभी बिल को किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो जल्दी से ग्रोवर और जिगलर को अपने पास बुलाती है और तभी वहाँ क्रिस्टन की ग्रैंड माँ आ जाती है। बिल उससे कहती है कि हमें प्रिंस को ठीक करने के लिए आपकी मदद चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे प्रिंस से कोई लेना देना नहीं है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। पर बेचारी बिल उसका पीछा करने लगती है और भागकर उसके घर तक पहुँच जाती है और उसके अंदर आ जाती है, जहाँ क्रिस्टन की ग्रैंड माँ बहुत उदास होती है। बिल उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप एक अच्छी इंसान हो, आप प्रिंस को बचा सकती हो। और अब बिल के साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्रैंड माँ उन सबसे कहती है कि हमें जल्दी करनी होगी, वरना प्रिंस हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाएगा। मुझे एंटीडोट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि यूनिकॉर्न का गोबर है, और वो तुम्हें सिर्फ क्लैन ऑफ बीस्ट में मिलेगा और वो जगह बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर बिल और उसके साथी बहुत घबरा जाते हैं और वो प्रिंस की सेफ्टी के लिए उसे ग्रैंडमा के पास रखने का फैसला करते हैं। और वहीं क्रिस्टन भी अपने डॉगी की मदद से बिल और उसके साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसके साथ उसकी भयानक सेना भी है। और वहाँ बिल भी अपने दोस्तों के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है और बिस्ट टेरिटोरी में पहुंच जाती है। वो जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है और उन्हें यूनिकॉर्न का गोबर भी मिल जाता है। पर जैसे ही ग्रोवर उसे छूता है, वहाँ एक बड़ा सा बीस्ट यूनिकॉर्न आ जाता है और वो पिल और जिगलर के पीछे पड़ जाता है। पर तभी ग्रोवर वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और वो उस यूनिकॉर्न के साथ फाइट शुरू कर देता है। और फिर वो सब वहाँ से एक पत्थर पर चढ़कर निकल जाते हैं और कस्ट फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ बेचारा ग्रोवर इस बात से बहुत खुश होता है कि अब वो बहुत जल्द नाइट बन जाएगा। जिस पर जिगलर बिल से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, क्योंकि जिगलर को तो पता था कि बिल प्रिंसेस नहीं है, वो तो उससे पहले मिल चुका था। और अब ग्रैंडमा अपने जादुई घोल को बनाकर प्रिंस को पिला देती है, जिसे पीकर प्रिंस इंसानी रूप में आ जाता है। ग्रोवर कहता है कि मिशन पूरा हुआ, हमने प्रिंस को बचा लिया और अब आप प्यारी प्रिंसेस मुझे नाइट बना दो। जिस पर बेचारी बिल उसे सच बता देती है कि मैं एक प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं तो वही खाना चुराने वाली स्पिरिट हूँ। ये सब सुनकर ग्रोवर बहुत उदास हो जाता है, वो कहता है कि तुमने पैसे पाने के लिए मुझसे झूठ बोला, मैं तुम पर भरोसा करता था, मुझे लगा था कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो, मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ। बेचारी बिल ग्रोवर के लिए बहुत उदास हो जाती है, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि जाकर उससे माफी मांग लो। पर तभी ट्रिस्टन अपनी भयानक सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि मैं तुम्हें प्रिंस को हर्ट नहीं करने दूंगी, पर ट्रिस्टन के आदमी चारों तरफ फैल चुके थे और वो ग्रैंडमा के घर में भी आग लगा देते हैं और साथ ही ट्रिस्टन ग्रोवर पर तीर चला देता है। लेकिन बेचारी बिल बीच में आ जाती है और तीर बिल को लग जाता है। ट्रिस्टन के सिपाही प्रिंस को भी खाई में फेंक देते हैं और बिल के सभी साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ ट्रिस्टन सबसे झूठ कहता है कि ग्रैंड माने और इन सब ने मिलकर हमारे प्रिंस को मार डाला, पर अब मैं आप सबका ख्याल रखूंगा नया राजा बनके। और वहाँ बिल के छुटकू दोस्त उसके पास होते हैं और तभी बिल उड़ जाती है, क्योंकि तीर उसे नहीं बल्कि ग्रोवर के उसे दिए हुए टॉय को लगा था। और तभी बिल को प्रिंस भी दिख जाता है, जो कि जिंदा होता है। बिल जल्दी से ग्रैंड माँ के झाड़ू की मदद से प्रिंस को बचा लेती है और अपने दोस्तों के साथ शहर की तरफ निकल पड़ती है। और फिर वो लोग शहर में पहुंच जाते हैं और बिल अपने साथियों को मरने से बचा लेती है। वो सबसे कहती है कि ट्रिस्टन झूठा है, उसी ने प्रिंस को मारने की कोशिश की थी, जिस पर ट्रिस्टन कहता है कि कौन ही तुम्हारा यकीन करेगा। पर तभी वहाँ प्रिंस आ जाता है और ट्रिस्टन का झूठ भी साबित हो जाता है। ये सब देखकर ट्रिस्टन वहाँ से भागने लगता है। वहीं बिल अपने साथियों को आजाद करवा देती है और अब ग्रोवर भी बिल को माफ कर देता है। पर तभी ट्रिस्टन की सेना शहर पर हमला शुरू कर देती है, जिन्हें रोकने के लिए पिल और उसके साथी तैयार हो जाते हैं। और पिल और ग्रैंडमा ट्रिस्टन के पास उसे समझाने पहुंच जाती है, लेकिन ट्रिस्टन अपने डॉगी को एक जादुई घोल पिलाकर उसे बहुत बड़ा बना देता है, वो एकदम ड्रैगन की तरह बन जाता है। पर तभी ग्रैंडमा उसे छोटा बनाने वाला एंटीडोट बना देती है और उसे जल्दी से पिल को दे देती है। पिल ग्रोवर से कहती है कि हमें इसे उस डॉगी को पिलाना होगा, पर वो एंटीडोट नीचे गिर जाता है। तभी पिल को एक आइडिया आता है, वो गोबली के मुंह से च्यू टॉय को बाहर निकालती है और उस एंटीडोट को उसमें सोख लेती है। और जैसे ही ट्रिस्टन उनकी तरफ बढ़ता है, वो उस डॉगी को च्यू टॉय खिला देते हैं, जिससे वो डॉगी फिर से छोटा हो जाता है। पर वो मूर्ति भी टूटने लगती है, जिस पर पिल और उसके साथी थे। तभी बेचारा ग्रोवर पिल को तो बचा लेता है, पर खुद नीचे गिर जाता है और ट्रिस्टन शहर छोड़कर भाग जाता है। पिल जल्दी से पाइप में से निकलकर ग्रोवर के पास आ जाती है, वो बहुत उदास हो जाती है। लेकिन तभी ग्रोवर जाग जाता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये क्या, एक और छुटकू, लगता है ये भी भूखा है। पर पिल के होते हुए नहीं, वो उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाती है, क्योंकि अब वो पहले की तरह अकेली नहीं है, अब उसके बहुत सारे दोस्त हैं और वो सब साथ में बहुत खुश भी है। और इसी के साथ ये मूवी